मेमोरी। वीकनेस ऑफ मेमोरी दो चीजों से है, एक है मुलाधार चित्र, क्योंकि श्री गणेश जी हैं जो हमारे मुलाधार चित्र में स्थित है, उसी के कारण हमें हर चीज की याद रहती है, हर चीजें याद रहती हैं, चाहे दिशा का नॉलेज हो, चाहे चीजों का नॉलेज हो, चाहे जगह का नॉलेज हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुलाधार चित्र की वजह से ही होता है। जिनका गणेश तत्व वीक है उनमें मेमोरी की दिक्कत आती है। और दूसरा चक्र है लीवर, अगर लीवर में गर्मी है तो उसका चित्त सही से नहीं रह पाता, तो उसको जो पढ़ रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उसको याद नहीं रहता। तो दो चक्र है वीकनेस ऑफ मेमोरी के लिए, एक है मूलाधार चक्र और दूसरा है लीवर। थ्रोट इरिटेशन, बच्चों में बारंबार थ्रोट इरिटेशन, मैंने पहले बताया आपका दाया हृदय चक्र, और इसमें विशुद्ध चक्र भी इन्वॉल्व होता है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले का, कान का, नाक का, जो भी इन्फेक्शन बाहर से है वो विशुद्ध चक्र है। और जो अंदर की इन्फेक्शन है, कान में दर्द होना, ये सब होना, वो आपका दाया हृदय चक्र है। तो इसके लिए बच्चों के दाया हृदय चक्र को आप क्लियर कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के साथ, सीताराम के मंत्र के साथ, बच्चों को अल्लाह ऊपर करा सकते हैं, उनका विशुद्ध क्लियरेंस करा सकते हैं। स्पेसिफिकली जो भी इन्फेक्शन आते हैं बच्चों के हार्ट चक्र से ही आते हैं, तो बच्चों का हार्ट चक्र ठीक करना बहुत जरूरी है।